ओ भाई साहब, हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग गेम के अंदर ये क्या आ गया है भाई? ये कितना डरावना दिख रहा है। आखिर ये है कौन सा प्राणी? मुझे इसके बारे में पता तो करना ही होगा। ऑल राइट गाइज, मुझे अभी अभी पता चला है कि ये है सायरन हेड। भाई ये एक ऐसा प्राणी है जिसके सर के जगह पर लगे है सायरन, और ये पता नहीं कैसे हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग गेम के सिटी में घुस चुका है। एंड भाई इन्होंने सिटी में पूरी तरह से तबाही मचा रखा है। भाई आखिर ये तबाही मचा कर कहना क्या चाहता है? मैं नहीं बताऊंगा। कोई ना, आज मैं इस सायरन हेड को मारने वाला हूँ। ऑल राइट गाइज, अभी सुबह हो चुका है एंड आपने जो सायरन हेड देखा तो वो आया था रात के अंदर। एंड गाइज, मैंने सुना है कि सायरन हेड ने सिटी में तबाही मचाने के बाद जुरासिक पार्क में पूरे 100 डायनासोर को मार दिया है। भाई यार ये तो बहुत खतरनाक है, वैसे मैं भी कोई कम हूँ क्या? भाई आप ही सोचो, इतने बड़े बड़े डायनासोर को ऐसे ही मार दिया तो वो कितना खतरनाक होगा। इसलिए भाई मुझे तो अभी से ही डर लग रहा है। बट कोई ना, अभी डे है तो वो अभी नहीं आएगा, क्योंकि यार वो मुझसे डरता है ना, और वैसे भी दिन में मेरा राज जो चलता है। क्या बोला तूने? कुछ भी तो नहीं। लेकिन यार उसे कैसे ना कैसे करके मारना ही होगा, ऐसे तो वो किसी को जीने नहीं देगा। लेकिन यार उसे मारेंगे कैसे? उसे मारने के लिए कुछ तो करना ही होगा। अरे हाँ, मेरे एक ज्ञानी दोस्त ने कल ही तो टैंक का चीट कोड बताया था यार, अब उसी टैंक से सायरन हेड को उड़ा देंगे। तो चलो ज्ञानी बाबा का कोड ट्राई करते हैं। वैसे तो मुझे उस पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि उसका कोड वर्क भी करेगा, लेकिन अभी आफत ही ऐसी पड़ी है तो देखते हैं। हरामी दोस्त का हरामी कोड वर्क नहीं किया तो जाके उसका खोपरा तोड़। चलो डायल करते हैं 606, और ये आ चुकी है हमारी टैंक। भाई ये कौन सा टैंक है यार? ये कोई नया मॉडल वाला टैंक आ गया है क्या? वैसे यार मुझे पता था ढोंगी दोस्त का कोड वर्क नहीं करेगा। सिट यार, गाइस यार अब तो ये ट्रिक भी फेल हो गई, अब क्या करूं? चलो चलकर इस पापा की परी टैंक का कोड पूछते हैं, क्या पता इसको पता हो। हेलो पापा की परी। हाँ क्या है? क्या पापा की परी तुम्हें टैंक का कोड पता है? हाँ पता है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। क्या बोली, तुमने नहीं बताएगी? तो ये ले फिर। अरे ये तो काफी जिद्दी है यार, अब तू ये ले, लेते ही रहे। ओहो यार, पापा की परी तो ऊपर चल दिए यार। मुझे अब लगता है टैंक का कोड नहीं मिलेगा, बट कोई ना, मैं हार नहीं मानूंगा। कैसे भी करके टैंक का कोड पता तो करके ही रहूंगा। तो चलो पता करते हैं। 2000 years later. फाइनली गाइस मुझे टैंक का कोड मिल गया, अब जल्दी से टैंक का कोड ट्राई करते हैं। ये मैंने कोड डायल कर दिया तो फाइनली ये आ चुकी है हमारी टैंक। यार अब पहले चेक कर लेता हूँ ये टैंक असली है या नकली। अरे हाँ यार, ये तो एकदम असली टैंक है। गाइज अब तो सायरन हेड नहीं बचने वाला है, अब तो बस रात होने का वेट करते हैं, क्योंकि अब रात भी मेरा ही होगा। भाई अब मैं नहीं डरता किसी सायरन वायरन से। अरे ये कौन सामने में आ रहा है? अबे सामने से हट जा, नहीं तो ठुक जाएगा। अरे भाई हटना। मैं नहीं हटेगा साला, वैसे तेरे बाप का राज है क्या, जो करना है कर ले। अच्छा तो नहीं हटेगा, तो ये लो फिर। अब तो यार पापा की परीक्षा साथ माँ का मगरमच्छ भी ऊपर चल दिए। वैसे यार बेचारा फालतू में ही मारा गया। ओके तो अब जैसा ही रात होगा सायरन हेड को ढूंढने चले जाएंगे। लेकिन यार उसको मारने के लिए टैंक काफी नहीं होगा, उसके लिए और कुछ करना होगा। चलो पहले ये सब छोड़ते और पहले जुरासिक पार्क चलकर देखते हैं क्या सच में सायरन हेड ने 100 डायनासोर को मारा है, या फिर कोई ऐसा ही अफवाह फैला रहा है। तो चलो वहां जाने के लिए एक थार मंगा लेता हूं, क्योंकि यार मुझे थार काफी पसंद है। बट मुझे रेड वाली थार पसंद नहीं है, मुझे तो थार पर ब्लैक कलर ही अच्छा लगता है। वैसे आपको कौन सा कलर पसंद है मुझे नहीं पता। कलर की बात छोड़ते और अब फटाफट से जुरासिक पार्क चलते हैं। ऑल राइट, मैं जुरासिक पार्क में एंटर कर चुका हूँ, बट मुझे यार अभी तक कोई भी डायनासोर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है यार? कहीं सायरन हेड ने सारे डायनासोर को मार तो नहीं दिए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ओके तो फाइनली मुझे अब डायनासोर दिख गया। यार मैं तो बेकार ही परेशान हो रहा था, यहाँ तो सारे डायनासोर एकदम सेफ है। ओ भाई साहब ये क्या, यहाँ तो सच में सायरन हेड ने डायनासोर को मारा है। भाई ये देखो डायनासोर कैसे मरा पड़ा है। भाई अब मैं सायरन हेड को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत से मासूम डायनासोर को मारा है। भाई अब वो नहीं बचेगा, तो अब जल्दी से रात होने का वेट करते हैं। रात को जैसे ही सायरन हेड आएगा उसको बिना कुछ सोचे समझे मार देंगे। ऑल राइट गाइस, अभी रात हो चुकी है एंड अब सायरन हेड को ढूंढकर जल्दी से मारते हैं, नहीं तो वो फिर से तबाही मचाने लगेगा। तो चलो फटाफट से उसे ढूंढते हैं। अबे यार मैंने तो पुलिस की गाड़ी ठोक दी है, भाई अब मेरा क्या होगा? अब तो तेरा चालान कटेगा, वैसे अभी कोई नहीं देख रहा है तो चल मुझे रिश्वत ही दे दे। ओके सर, मैं अपनी गाड़ी से पैसे निकालता हूँ। हाँ जल्दी कर। हाँ कर रहा हूँ सर। ये ले बड़े आए पैसे लेने। यार ये पुलिस तो बड़ा ही घुसखोर निकला, बोल रहा था कोई नहीं देख रहा है इसलिए मैंने भी ठोक दिया, क्योंकि मुझे भी कोई नहीं देख रहा था। ओ वेट गज, मुझे सायरन हेड का साउंड सुनाई दे रहा है, मुझे लगता है वो मेरे आसपास ही है। भाई अब जल्दी से उसको ढूंढकर मारते हैं, बट यार मैं उसे ढूंढूंगा कैसे? अरे हाँ, जिधर से ये आवाज आ रही शायद वहीं सायरन हेड मिलेगा, और ये आवाज आ रही एयरपोर्ट की तरफ से, मुझे फटाफट से एयरपोर्ट जाना होगा। चलो गज एयरपोर्ट चलते हैं।
तो तब तक मैं गाइस यार आप लोग प्लीज अपना भाई समझ के वीडियो को लाइक कर देना एंड प्लीज यार आप लोग चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि यार मैं आप लोगों की सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हूँ। ऑल राइट गाइस अब मैं एयरपोर्ट पहुँचने ही वाला हूँ। अबे यार अब ये क्या आफत आ गई, ये क्या है? प्लीज चेंज योर व्हीकल। अरे हाँ मैंने तो टैंक लाना भूल ही गया यार, मैं जल्दी से टैंक मंगा लेता हूँ। चल टैंक जल्दी से आ जा। ओके तो हमारी टैंक आ चुकी है यार, ऐसे में तो सायरनेट मुझे ही मार देता। अब देखते हैं सायरनेट कहाँ मिलेगा, बट अगर वो अभी मेरे सामने आ गया तो भाई मुझे ही मार देगा क्योंकि यार उन्होंने बड़े बड़े डायनासोर को ऐसे ही मार दिया है। तो ये टैंक क्या है? चलो इसके लिए सबसे पहले ऊंचे वाले जगह पर चलते हैं, उसको ऊपर से मारेंगे। जल्दी जल्दी से ऊपर चढ़ जाता हूँ। भाई यार ये आवाज तो काफी तेज होती जा रही है। भाई उसका शरीर पूरा हड्डियों से बना है और उसके सर पे पता नहीं किसने सायरन लगा दिया है जो जोर जोर से आवाजें कर रही है। यार ये बड़ा ही विचित्र प्राणी है, बट हम नहीं डरते किसी सायरन वायरन से। चलो फटाफट से ऊपर चढ़ते हैं, उसके बाद सायरन हेड का सायरन ही फोड़ दूंगा। लेकिन अगर सायरन हेड ने मेरा ही सर फोड़ दिया तो क्या होगा? चलो कोशिश करते हैं क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भाई ये आवाज तो काफी तेज होती जा रही है, मुझे तो काफी डर लग रहा है। कोई बात नहीं फटाफट से ऊपर चलते हैं। ऑलराइट गाइस अब मैं बिल्डिंग के टॉप पे आ चुका हूँ, बट मुझे अभी तक सायरन हेड कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ओ भाई साहब यहाँ तो सायरन हेड एकदम से अचानक से आ गया है। भाई अब जल्दी जल्दी से सायरन हेड को मार देता हूँ, नहीं तो ये मुझे ही मार देगा। इस पे जल्दी जल्दी फायर करता हूँ, ये ले ये भी ले। फाइनली गाइज इसका हेल्थ कम हो रहा है, पर वेट गाइज शायद ये मुझे नहीं देख पा रहा है। भाई यार क्या फालतू सायरन हेड है। बट नहीं गाइज अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो मुझे एक ही झटके में खत्म कर देगा, इसे जल्दी जल्दी मार देता हूँ। वैसे भी अब इसका थोड़ा ही हेल्थ बचा है। तो फाइनली गाइज मैंने सायरन हेड को मार दिया। गाइज अब हमारा सिटी एकदम सुरक्षित है, अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है। बाय द वे गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना एंड प्लीज यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।